उत्तराखंड में आकाश में वरसती आफते तबाही मचावी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में वरसाद और भूस्खलन की भारे तबाही सर्जाई छे। आ बने राज्यों में जून महीना अत्यार सुधी में 230 से वधु लोकोए जीव गुमाव्या छे। एटलू ज नहीं, आ अठवाडिये आ बने राज्यों में 84 लोकोना मौत थया। पंजाब में पूर और वरसादना कारणे 4 लोकोए जीव गुमाव्या। हिमाचल में भूस्खलन कारणे आ अठवाडिये ओछा में ओछा 68 लोकोना मौत थया, लगभग 15 लोको गुम थया। शिमलाना समरहिल विस्तार में मोटा भूस्खलन बाद लापता थयेला 21 लोकोमांथी 14 लोकोना मृतदेह मळी आव्या। ते समये कांगड़ाना फतेहपुर और इंदोरा विस्तार में पूर में फसायेला 308 लोकोने बहार काढवामां आव्या। आजे सवारे फरी एकवार राहत कार्य शुरू थयुं। मंडी कुलू और सांजोट नेशनल हाईवे सहित 875 रस्ताओ बंद छे और 1200 बस रूट खोरवाई गया छे। साथ पूर और भूस्खलन कारण सरकार ने पण मोटुं नुकसान पहोंच्युं छे। पंजाबना मुख्यमंत्री भगवंत मान होशियारपुर जिलाना पूर प्रभावित विस्तारों की बोट द्वारा मुलाकात ले परिस्थिति की समीक्षा पण करी हती। आ दरमियान तेमणे पोताना घरनी छत पर फसायेला परिवार ने पण बचाव्यो हतो। आंगे सीएम भगवंत माने कह्युं के समय मुश्किल छे, परंतु अमे दरेकनी मदद करीशुं तेमज लोकोने थयेल नुकसानीनी भरपाई करीशुं। पंजाबना होशियारपुर, गुरदासपुर और रूपनगर जिलाना पूर प्रभावित विस्तारों में बचाव कामगीरी माटे एनडीआरएफ, आर्मी और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की घनी टीमों तैनात करवामां आवी छे। अधिकारीओ जणाव्युं के भाकरा और पोंग डेममांथी वधारानुं पाणी छोड़वामां आव्या बाद आ त्रण जिलाना मोटा भाग पूर में डूबी गया। भाखरा डेम में वधारानुं पाणी छोड़वाना कारणे बियास और सतलज नदी में पाणी की सपाटी वधी। सतलज नदी पर भाखरा डेम और हिमाचल प्रदेश में बियास नदी पर पोंग डेम भारे वरसाद पछी बन्ने मां पानी नुं स्तर ऊंचू जोवा मळी रह्युं छे। काशी विश्वनाथ मंदिर की बाजू में स्थित ज्ञानव्यापी संकुल पर चाली रहेली कानूनी लड़ाई में सौथी आगळ रहेला एक हिंदू संगठने विवाद ने कोर्ट की बहार उकेलवा माटे एक खुल्लो पत्र लख्यो। वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना आदेश पर ज्ञानव्यापी कैम्पस में वैज्ञानिक सर्वेक्षण वच्चे लखायेला खुल्ला पत्र में हिंदू पक्ष वकील और विश्व वैदिक सनातन संघ ना वडा जितेन्द्र सिंह बिसेन हिंदू और मुस्लिम पक्षों परस्पर विरोध कर्यो। ज्ञानव्यापी कैम्पस विवाद अंगे कोर्ट की बहार संमत थया। मामलो उकेलवा माटे वाचित माटे आमंत्रण पण आप्यु। बिसेने कह्युं के आ पत्र हिंदू पक्ष द्वारा आ केस ने मुख्य वकील राखी सिंह की संमति बाद जारी करवामां आव्यो छे। तेमणे कह्युं के जो आ मामलो परस्पर संमति थी उकेलवामां आवे तो आनाथी वधु सारू कई नहीं थाय। केटलाक असामाजिक तत्वों पोताना अंगत फायदा माटे फायदो उठावा मांगे छे, जे देश अने समाज बन्ने माटे नुकसानकारक होई शके छे। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्टे केन्द्र और गुजरात सरकार ने झटकनी काढ़ी। सुप्रीम कोर्टे केन्द्र और गुजरात सरकार ने पूछू के सरकारे बिल्किस बानू ना दोषित ने केम छोड़ा, आ राहत जेल में बाकी में कैदियों ने केम आपवामां आवी नथी। जस्टिस बी वी नागरथना और जस्टिस उज्ज्वल भूयान की खंडपीठे प्रश्न पूछो के सुधारा माटे आटली राहत बाकी कैदियों ने शा माटे न आपी शकाय। कोर्टे दोषितों ने मुक्त करवा माटे बिल्किस द्वारा दाखल करवामां आवेली अरजी पर सुनावणी करी रही हती। गुजरात सरकारे बिल्किस ना 11 दोषितों ने मुक्त करवानो निर्णय लीधो हतो, जेने रद्द करवानी मांग करवामां आवी हती। मार्च में जस्टिस के एम जोसेफ और बीवी नागरत्ननी बेंचे गुजरात सरकार ने बिल्किस बानू केस में तमाम दोषितों ने मुक्ति आपती फाइलों साथ तैयार रहेवानो निर्देश आप्यो हतो। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लेह लद्दाख प्रवासे छे, जेने 2 दिवस लंबावामां आव्यो। मळती माहिती प्रमाणे 25 ऑगस्ट सुधी राहुल गांधी लेह लद्दाख रोकाशे, तेमज 20 ऑगस्टे पोताना पिता अने पूर्व वडाप्रधान दिवंगत राजीव गांधीना जन्मदिवसे पेंगोंग लेक पर उजवशे। जम्मू और काश्मीरमांथी कलम 370 और 35 नाबूद करी 2 केन्द्रशासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू काश्मीर में विभाजित कर्या हता। जेवा प्रथम वक्त राहुल गांधी मुलाकात लेशे, तेवो रोकाण दरमियान कारगिल मेमोरियल नी पण मुलाकात लेशे और युवानों साथे वातचीत करशे। आ सिवाय राहुल गांधी 25 ऑगस्टे 30 सभ्योनी लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल चूंटणीनी बैठक में हाजरी आपशे। राजस्थान प्रताप खाचरीवासी मिर्जोरम में बॉम्ब विस्फोट करनार भारतीय वायुसेना विमान ने उड़ाड़ना कांग्रेस दिवंगत नेता राजेश पायलट पर आरोपों ने लई भाजप और अमित मालवीय की टीका की। प्रताप खाचरीवासे कहूं कि राजेश पायलट पर आरोप मुकवा अंगे भाजपे माफी मांगी जोईए, कारण के राजेश पायलट एक बहादुर पायलट था और समग्र देश में सम्मान करू। साथ साथ प्रताप खाचरियाए एम कहूं कि भाजपा नेताओं पास ज्ञान नहीं, कोईपण माहिती वगर ट्वीट करे। स्वर्गस्थ राजेश पायलट अंगे अमित मालवानु ट्वीट पाप छे। भाजपा नेताओं जूठाणा जनरेटर बनी गया छे और देशभर में जूठाणो फैलावी रहा छे। बिहारना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवारे दिल्ली गया था, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात कर वगर ज गुरुवार पटना परत फर्या।
पटना परत फर्या बाद नीतीश कुमारे केजरीवाल खड़गे साथीनी मुलाकातनी चर्चाओने रद्दियो आप्यो। तेमणे कह्युं के मेडिकल चेकअप माटे दिल्ली गयो हतो, त्यां आंखनी सर्जरी करावी। नीतीश कुमारे एक दिवसनी दिल्ली मुलाकातमां कोईपण राजकीय नेता साथे मुलाकात करी नथी। महत्वनुं छे के नीतीश कुमारे दिल्ली पहोंच्या बाद पूर्व वडाप्रधान अटल बिहारी वाजपेयीना समाधि स्थळे जई तेमणे श्रद्धांजलि आपी। भाजप पर निशान साधता कह्युं के विपक्षी दळो एक थया छे, इंडिया गठबंधननुं रूप लई रह्युं छे, त्यारे भाजपने एनडीएनी याद आवी रही छे। तो दिल्ली में नीतीश कुमार अन्य नेताओं साथे मुलाकात थता कोई आवकार न आप्यो होवानो भाजपे कटाक्ष कर्यो हतो। केन्द्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह शुक्रवार क्रिप्को हेडक्वार्टर की मुलाकात लीधी, साथ साथ भारत की बीजी और सौथी मोटी खातर सहकारी संस्था बोर्ड सभ्य साथ बातचीत की। अमित शाह की मुलाकात ने पगले देशभर में तमाम बोर्ड सभ्य दिल्ली पहुंचा था। जयरे संवाददाताए बैठक में एजेंडा जाना बोलाव्या तरह तमाम सभ्य उत्साह बताव्यो, तो क्रिप्को की बोर्ड मीटिंग योजाई जमा सहकार मंत्री बनया बाद अमित शाह प्रथम वक्त क्रिप्को हेडक्वार्टर की मुलाकात लीधी। क्रिप्को अधिकारी अमित शाह भव्य स्वागत कर। सीपीआईएम नेता सीताराम येचुरी नेतृत्व में चार सभ्यों प्रतिनिधिमंडले 18-20 ऑगस्ट दरमियान मणिपुर की मुलाकात से। आ दरमियान तेमणे निवेदन आप्यू के अमे मणिपुर लोग एकता व्यक्त करने जई रहा छे कि भारत तेमनी साथे छे। मणिपुर मुख्यमंत्री ने बरतरफ करवा जोईए, अमे शांति पुनः स्थापित करने माटे जे पण जरूरी हशे ते करीशुं। राज्य की स्थिति खतरनाक छे अने देश की एकता माटे तेने नियंत्रित करवू जरूरी छे। आरोप है, बहुत सारा हमने देखा भी है सोशल मीडिया पे, और ये बहुत ही खतरनाक परिस्थिति पैदा हो रही है वहाँ पे। इसको काबू में ले आना अनिवार्य है और जरूरी है देश की एकता के लिए, और क्योंकि ये वातावरण फैल रही है अब बाकी जगहों पर नॉर्थ ईस्ट में, ये हमारे देश के हित में नहीं है। थोड़ा दिवसों की शांति बाद हिंसाग्रस्त मणिपुर में फरी एक बार हिंसा भड़की। सूत्रों जणाव्या अनुसार उखरूल जिलाना लिटन पुलिस स्टेशन की हद में आता थवई कूकी गाम में शंकास्पद मेथी शस्त्रधारी बदमाशों और कूकी स्वयंसेवकों वच्चे भयंकर गोलीबार की घटना बनी थी। कूकी समुदाय त्रण लोग मृत्यु पाम्या। आ घटना बाद बीएसएफ सहित सुरक्षा दलों समग्र विस्तार ने घेरी लई तलाशी अभियान चलाव्यू। हाल में स्थिति तंगदीली भरी होवाना अहेवाल छे। उल्लेखनीय छे कि आ गाम मेथी समुदाय की वस्ती धरावता विस्तार थी घणु दूर छे। मणिपुर में बहुसंख्यक मेथी समुदाय लोग एससी एसटी नो दरज्जो अने अनामत आपवानी मांग करी रहा छे। मेथी समुदाय की वस्ती पण मणिपुर में 53% छे। अत्यार सुधीनी हिंसा में 100 वधु लोग मृत्यु पाम्या छे। दैनिक अखबारना 36 वर्षीय पत्रकार विमल यादव ने बिहारना राणीगंज में धोड़ा दिवसे हत्या करी देवामां आवी हती। आरोपीए घरना दरवाजा पर चढ़ीने मुख्य दरवाजो खोलता पत्रकार विमल यादव सामे आवता गोलीबार कर्यो। विमल यादव पर गोलीबार करी आरोपीओ फरार थया। हत्या बाद विस्तार में चकचार मची और आसपास लोग टोड़े टोड़ा एकठा थया। हत्या की माहिती मळता पुलिस घटनास्थले पहुंची मृतदेह कब्जो लई पोस्टमार्टम माटे मुखरी तपास शुरू करी। विमल यादव संबंधीओनुं कहेवुं छे के सुपोल जेल में बंद रूपेशे हत्यानो कावतरू घड्यु हतु। रूपेशे जेल में हत्यानो आदेश आप्यो हतो। अगाउ एप्रिल 2019 में विमल यादव नाना भाई गबू यादव की हत्या करी हती। विमल यादव तेना भाई ना हत्या केस मुख्य साक्षी हतो। केस की झड़पी सुनावणी चालू छे, त्यारे कोर्ट में सुनावणी थाय ते पहेला विमल यादव की हत्या करवामां आवी छे। घासचला कौभाड मामले लालू प्रसाद यादव की मुश्किलों फरी एक वक्त वधी शके छे। लालू प्रसाद यादव की जामीन रद्द करने अरजी पर सुनावणी 25 ऑगस्टे थशे। सीबीआईए लालू यादव ना जामीन रद्द करने माटे सुप्रीम कोर्ट में अरजी करी हती अने कोर्ट पासे वहली सुनावणी की मांग करी हती। सुप्रीम कोर्टे सुनावणी माटे संमति आपी। हवे आ मामले 25 ऑगस्टे सुनावणी थशे। अगाउ 27 मार्चे सुप्रीम कोर्टे सीबीआई की अन्य एक अरजी पर नोटिस जारी करी हती। लालू प्रसाद यादव ने डोरांडा ट्रेजरी संबंधित चारा कौभाड में 5 वर्ष की सजा 60 लाख रूपया दंड फटकार। जी दी कि 4 एप्रिल 2022 रोज सुप्रीम कोर्टे लालू यादव ने 2 मामला में आप जामीन विरुद्ध सुनावी करने सहमत थी थी। सुप्रीम कोर्टे राष्ट्रीय जनता दल पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह ने झटको आप। सुप्रीम कोर्टे प्रभुनाथ सिंह ने 1995 में पोताना विरोधियों की हत्या करने बदल दोषी गणाव्या। पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर राजेन्द्र राय ने दारेका राय ने हत्या करने आरोप हतो। वर्ष 2008 में प्रभुनाथ सिंह ने बिहार कोर्टे पुरावा अभाव छोड़ी मुक्या था। त्यारबाद वर्ष 2012 में पटना हाईकोर्टे निचली अदालत निर्णय ने योग्य गणाव्यो हतो। त्यारबाद मृतक राजेन्द्र राय भाई सुप्रीम कोर्ट में अपील करी हती। हाल प्रभुनाथ सिंह वर्ष 1995 में अशोक सिंह की हत्या करने बदल कारावास भोगी रहा है।
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार राष्ट्रीय शिक्षण नीति एनईपी ने खत्म करवा सामे भाजपे विरोध व्यक्त कर्यो। तेना जवाब में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमारे कहूं कि एनईपी भाजपनो राजकीय एजेंडा हतो, तेने भाजप शासित राज्यों में लागू ज नथी कराई। शिवकुमारे भारपूर्वक कहूं कि आ राज्यों विषय छे, राष्ट्रीय विषय नथी। शिवकुमारे कहूं कि एनईपी लागू करवानो निर्णय भाजपनो हतो, अमे शुरुआतथी कही रह्या छे कि अमे तेना पर पुनर्विचार करीशुं। पायानो माळखो तैयार कर्या विना तेने उतावळे लागू करी देवामां आवी हती। शिवकुमारे सवाल पूछ्यो कि राष्ट्रीय शिक्षण नीति एटली ज महत्वपूर्ण छे, तो पछी मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा अने गुजरातमां तेने लागू केम न कराई? अहीं तो भाजप ज सत्तामां छे। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार नो विरोध जेडीएस पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी करी रहा छे। तेमने आ वखते कावेरी जल विवाद मामले कर्नाटक सरकार ने घेरी हती। तेमने आक्षेप मूक्यो हतो कि कर्नाटक सरकार कावेरी जल तमिलनाडु ने आपवाना मामले गंभीरताथी लई रहा नथी। हुं सरकार ना वलण नी आकरी टीका करू छुं। In this issue, that's why I'm actually criticizing the government attitude. When this Tamil Nadu government, when they went before the Supreme Court, filing the papers in front of Supreme Court to give direction to the Karnataka to release the water, why our government for that? Our legal team, what they are doing? અંડર 20 વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશીપમાં બુધવારે કુસ્તીબાજમાં મોહિત કુમારને ગોલ્ડ તાજ પહેરાવ્યો હતો। 2019માં દીપક પુનિયા બાદ પ્રથમ ભારતીય કુસ્તીબાજ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો। મોહિત કુમારે જોર્ડનના અમાનમાં પુરૂષોની 61 કિલોગ્રામની ફાઇનલમાં રશિયાના એલ્ડર અખામુદુનીનોવને 9-8થી હરાવ્યો। સ્પર્ધામાં તટસ્થ એથ્લેટ તરીકે ભાગ લેનાર અખામુદુનીનોવ ભૂલો કરવાનું શરૂ કરે તે પહેલા ભારતીય ફાઇનલમાં 0-6થી પાછળ હતો। મોહિત કુમારે ભૂલોનો ફાયદો ઉઠાવી સતત 9 પોઈન્ટ મેળવ્યા હતા। યુ20 વર્લ્ડ રેસલિંગ ચેમ્પિયનશીપમાં વિજેતા મોહિત કુમારનું આઈજીઆઈ એરપોર્ટ પર ભવ્ય સ્વાગત કરાયું। વર્લ્ડ ચેમ્પિયનશીપ મેં મારે કોચ સાહેબ કા ઓર બહોત જ્યાદા યોગદાન રહી છે। આગે ઓલિમ્પિક એશિયન ગેમ્સ મેં મેડલ જીતના હૈ, યહી ટાર્ગેટ। મોંઘા પેટ્રોલ અને ડીઝલથી લોકોને ટૂંક સમયમાં રાહત મળી શકે છે। અન્ન અને ઇંધણની કિંમતોમાં વધારાને રોકવા વિવિધ મંત્રાલયોના બજેટથી સરકાર 1,00,000 કરોડની ફાળવણી કરવાની યોજના પર વિચાર કરી રહી છે। આ યોજના હેઠળ પેટ્રોલ ડીઝલના વેચાણ પર કર ઓછો કરી શકાય, સાથે ખાદ્યતેલ અને ઘઉં પર આયાત શુલ્ક પણ ઓછી કરી શકાય। પીએમ મોદી આગામી સપ્તાહમાં અંગે કોઈ મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય લઈ શકે છે। સરકારે પાછલા વર્ષે 26 અરબ ડોલરની યોજનાની જાહેરાત કરી હતી। સામાન્ય નાગરિકોને રાહત આપવા અને જરૂરી ચીજવસ્તુઓની કિંમતોને નિયંત્રિત કરવા માટે આ વખતે પણ કોઈ નિર્ણય લેવાઈ શકે છે। હાલ તહેવારોની સીઝન ચાલી રહી છે ત્યારે સસ્તામાં સોનું ખરીદવાની તક આવી ગઈ છે। સોનાની કિંમતમાં ઘટાડો નોંધાયો જ્યારે ચાંદીની કિંમતમાં વધારો નોંધાયો। ફોરવર્ડ ટ્રેડિંગમાં સોનાની પ્રતિ 10 ગ્રામ કિંમત 166 રૂપિયા ઘટી 58,515 રૂપિયાએ પહોંચી, જ્યારે ચાંદીની પ્રતિ કિલો કિંમત 222 રૂપિયા વધી 69,944 રૂપિયાએ પહોંચી। વૈશ્વિક સ્તરે ન્યૂયોર્કમાં સોનું સુને પણ 12% ઘટાડા સાથે 1,926 ડોલર પ્રતિ ઓન્સ પર ટ્રેડ કરી રહ્યું છે। ભારતનું ચંદ્રયાન 3 એક તરફ પોતાના મોડ્યુલને અલગ પાડ્યું છે, ત્યારે રશિયાના લ્યુના 25 મિશન પર ચંદ્રની ઓર્બિટમાં પહોંચ્યું છે। રશિયાની સ્પેસ એજન્સી રોસ કોસ્મોસે પણ આ લ્યુના 25ની પુષ્ટિ કરી। લ્યુના 25 હવે ચંદ્રની ફરતે 5 દિવસ સુધી ચક્કર લગાવશે, જે બાદ 21 ઓગસ્ટે ચંદ્ર પર લેન્ડ કરશે। લ્યુના 25નું લેન્ડિંગ ચંદ્રના દક્ષિણ ધ્રુવ પાસે કરાશે। રશિયાનું અંદાજે 47 વર્ષ બાદ ચંદ્ર પર પોતાનું લેન્ડર ઉતારી રહ્યું છે, જેનું 11 ઓગસ્ટે સફળતાપૂર્વક લોન્ચ કર્યું હતું। ભારતના ચંદ્રયાન 3 બાદ અંદાજે 1 મહિના પછી લ્યુના 25 લોન્ચ કર્યું હતું, છતાં તે ચંદ્રયાન 3 કરતા ઝડપથી ચંદ્રની સપાટી પર પહોંચી જશે। રશિયન વૈજ્ઞાનિકોએ દાવો કર્યો છે કે ચંદ્રની ઓર્બિટમાં પહોંચવું આ મિશનની સફળતાનો સૌથી જરૂરી ભાગ છે। કેટલાક લોકો તેને ચંદ્ર પર પહોંચવાની રેસ તરીકે જુએ છે। નવી દિલ્હીમાં આગામી સપ્ટેમ્બર મહિનામાં 9-10 G20ની સમિટ યોજાશે। આ સમિટમાં ભારતે યુક્રેનને આમંત્રણ આપ્યું નથી, પરંતુ વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સમિટમાં હાજર રહેવાની છૂટ આપી શકે છે। ચાલુ વર્ષમાં મે મહિનામાં હિરોશિમામાં G7 સમિટમાં ભારતને વિશેષ આમંત્રિત કર્યું હતું, જેમાં વડાપ્રધાન મોદી હાજર રહ્યા હતા। ઝેલેન્સ્કી હિરોશિમામાં જતા માર્ગમાં
अरब लीग समिट कॉन्फ्रेंस में आमंत्रण वगर पहुंचा था जयरे इसकी हिरोशिमा में नरेन्द्र मोदी साथ मुलाकात करी थी। जो कि आ G20 शिखर परिषद में तमाम आमंत्रित नेताओं नाम और फोटोग्राफ G20 की वेबसाइट पर मुकम्या है जमा रशिया प्रमुख व्लादिमीर पुतिन फोटोग्राफ है। तेरे पश्चिम देशों पुतिन नाम और फोटोग्राफ दूर करने भारत पर अत्यंत दबाण कर। चीनी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांडे अमेरिका की कोर्ट में नादारी जाहिर करने केस दाखिल कर। कंपनीए यूएस बैंक करप्शन फ्रॉड चेप्टर 15 हेठ सुरक्षा मांगी। आ चेप्टर अमेरिका में व्यापार करता विदेशी क्रेडिट माटे छे जेमा तेनी संपत्ति जप्त करवानी जोगवाईओ छे। चीनी रियल एस्टेट फर्मनी नादारीनी घोषणा एवा समय आवी छे ज्यारे चीनू अर्थतंत्र मुश्किलमांथी पसार थई रह्युं छे। मीडिया अहेवालो अनुसार आ चीनी दिग्गज कंपनी पर लगभग 300 बिलियन डॉलरनुं देवुं छे। आ कंपनी वर्ष 2021 पण तेनी लोन चुकवामां चूकी गई हती। ते समये पण कंपनीए तेनी नाणाकीय स्थिति जाहेर करी न हती। तेना ठीक एक वर्ष पछी एटले के वर्ष 2022 कंपनीना शेरने बिजनेसमांथी सस्पेन्ड करी देवाया हता। त्यारबाद कंपनीए गया महीने माहिती आपी हती के तेने छेल्ला बे वर्षमां लगभग 80 बिलियन डॉलरनुं नुकसान थयुं छे। चीनी घणी कंपनीओ खोटमां चाली रही छे। जो कि हवे केटली कंपनीओ आगळ आवी रही छे अने तेनी खोट जाहेर करी रही छे। देशमां इंटरनेट अने स्मार्टफोनो प्रसार वधवानी साथे साइबर फ्रॉडनुं प्रमाण पण वध्युं छे। आवा संजोगोमां साइबर छेतरपिंडी रोकवा माटे केन्द्र सरकारे गुरुवारे महत्वपूर्ण पगलुं भर्युं। टेलिकॉम विभागे हवे सीम कार्ड वेचता डीलर्स माटे पोलीस અને બાયોમેટ્રિક વેરિફિકેશન ફરજિયાત કર્યું તેમજ બલ્કમાં સીમકાર્ડના વેચાણ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો। સીમકાર્ડ સંબંધિત સાયબર ફ્રોડ સામે કાર્યવાહી કરતા સરકારે સંચાર સાથી પોર્ટલ લોન્ચ થયા પછી મે 2023 થી અત્યાર સુધીમાં 52 લાખ મોબાઈલ કનેક્શન રદ કર્યા। 17,000 ડીલર્સને બ્લેકલિસ્ટ કર્યા જ્યારે કે 300થી વધુ સીમકાર્ડ ડીલર્સ સામે FIR નોંધવામાં આવી। ટેલિકોમ મંત્રીએ જણાવ્યું કે બલ્ક કનેક્શન ઇસ્યુ કરવાની જોગવાઈ રદ કરતા હવે બિઝનેસ કનેક્શનનો કન્સેપ્ટ રજૂ કરાશે જેમાં કોઈપણ બિઝનેસ ગ્રુપ કોર્પોરેટર અથવા ઇવેન્ટ માટે સીમ ખરીદવાની વિશેષ વ્યવસ્થા તૈયાર કરાશે જેમાં કંપનીના રજીસ્ટ્રેશનના આધારે સીમ અપાશે અને જો કોઈ કંપની બલ્કમાં સીમ ખરીદે છે તો તેને વ્યક્તિગત KYC